खनिया थाना तहसील के अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायत नोहरा के मजरा भरतपुर के एक होनहार छात्र ने असिस्टेंट प्रोफेसर की नीट परीक्षा उत्तीर्ण कर परिवार ही नहीं बल्कि अपने गांव और पूर्व में बड़े शासकीय माध्यमिक विद्यालय नोहरा व खनिया थाना का नाम रोशन किया है। कौन कहता है कि शासकीय विद्यालय में पढ़ने लिखने वाले बच्चे आगे नहीं बढ़ पाते हैं। इसी का उदाहरण ग्राम पंचायत नोहरा के ग्राम भरतपुर में रहने वाले पुष्पेंद्र सिंह लोधी का है, जिसने अपनी पढ़ाई शासकीय माध्यमिक विद्यालय नोहरा में की। इसके बाद इंटर कर इंदौर पहुंचकर असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर आज असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम में नीट परीक्षा उत्तीर्ण कर विद्यालय और परिवार व ग्राम का नाम रोशन किया है। इस संबंध में जब शासकीय माध्यमिक विद्यालय नोहरा की प्रभारी ब्रजेंद्र कुमार कुश्तवार से बात की तो उन्होंने बताया कि ये छात्र हमारे विद्यालय में कक्षा 6 से 8वीं तक पढ़ा है, विद्यालय का आज्ञाकारी छात्र रहा है। आज पुष्पेंद्र सिंह लोधी ने इंदौर में रहकर असिस्टेंट प्रोफेसर की नीट परीक्षा उत्तीर्ण की है। हमारे लिए ये खुशी की बात है कि हमारे विद्यालय के छात्र ने असिस्टेंट प्रोफेसर की नीट परीक्षा उत्तीर्ण की और हम आगे भविष्य में ऐसी ही बड़ी बड़ी ऊंचाइयों को छुए इसकी कामना ईश्वर से करते हैं। सर मैंने एग्जाम दिया था UGC नेट एंड JRF, इसमें क्वालिफाई हो गया। इसके उपलक्ष्य में सर से आशीर्वाद लेने आया और उन्होंने मुझे मिठाई खिलाई और बहुत सारा आशीर्वाद दिया कि आप अपने उज्ज्वल भविष्य की कामना की है उन्होंने और कहा है कि आगे यूं ही निरंतर अपना और हमारा और अपने परिवार का नाम रोशन करें और यूं ही एग्जाम पास करें और जल्दी से जल्दी मतलब सफल भविष्य सफल जीवन व्यतीत करें। तो आप क्या इस विद्यालय में आपने अध्ययनरत रहे हैं क्या? मैं इस विद्यालय में 3 साल पढ़ा सर के यहाँ, 6th क्लास से लेकर 8th क्लास तक मैं यहाँ अध्ययन किया और सर जो हमारे हैं बहुत अच्छा पढ़ाते हैं और इन्हीं के मार्गदर्शन में मैंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा की और जिसके परिणाम स्वरूप मैं आज यहाँ पर पहुँचा हूँ। तो और भी जो बच्चे हैं उनके माता पिता बोलते हैं कि सरकारी स्कूल सही नहीं है, प्राइवेट में पढ़ाया जाए, तो इसमें आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं इसमें यही कहना चाहूँगा कि ऐसा कुछ नहीं है, सभी विद्यालय अच्छे हैं और यहाँ पर भी बहुत अच्छा रहा है। मैं भी यहाँ पर पढ़ा हूँ और मैंने काफी अच्छा काफी कुछ यहाँ पर सीखा है और मैं भी यही कहूँगा कि स्कूल के साथ साथ घर पर भी माता पिता को बच्चों पर ध्यान देना चाहिए। जी पुष्पेंद्र सिंह लोधी, सन ऑफ श्री भाव सिंह लोधी, ग्राम भरतपुरा नोरा, जो वर्ष 2009 में मेरे यहाँ कक्षा 6 में भर्ती हुआ था। ये शिष्य मतलब ये छात्र जो है बहुत आज्ञाकारी, बचपन से ही आज्ञाकारी रहा और पढ़ने लिखने में बहुत ही होनहार था जी। इसने 2012 में कक्षा 8 पास किया, उसके बाद हाई स्कूल इंटर करके इंदौर इसने असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर नीट परीक्षा उत्तीर्ण की और आगे मतलब इसके भविष्य की कामना करते हैं कि ये और अच्छा से अच्छा करें और हमारे जो अन्य स्टूडेंट हैं वे इनके मार्गदर्शन के अनुसार मतलब ये और अच्छा करें। हम लोगों की सब स्कूल परिवार की तरफ से इनको मतलब शुभ आशीर्वाद और ये आगे भी मतलब बहुत अच्छे से अच्छा